अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेलिकेसीज विद सबा। आज हम बना रहे हैं यमी मैंगो कुल्फी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। से पहले हमने 500 ग्राम्स मैंगो लिया है और उसे पील कर लेंगे। पील करने के बाद हम मैंगोस को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसके चंक्स हमें कट करने हैं। फिर एक कंटेनर में सारे चंक्स हम डाल देंगे और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, हमारा मैंगो ब्लेंड हो चुका है। अब एक दूसरे कंटेनर में हम फ्रेश क्रीम लेंगे 1.5 कप। ये देखिए, ये मैंने फ्रेश क्रीम ले ली है, इसे कप में ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से हम विस्क कर लेंगे। यहाँ मैंने हैंड ब्लेंडर का विस्क लिया है, आप मैन्युअली भी इसे कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 5 टेबलस्पून शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वापस आप इसे विस्क कर लेंगे। अब इसमें 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। और कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे। वापस इसे विस्क कर लेंगे एक बार। तो अच्छे से विस्क करना है जब तक ये थिक नहीं बन जाता। ये देखिए, विस्क हो चुका है। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है। ये इस तरह होने चाहिए। अब हम हमारा मैंगोज और ये क्रीम मिक्स कर लेंगे। देखिए, एक कंटेनर में ऐड करके वापस से अच्छे से आपको विस्क कर लेना है। ये देखिए, अब आप कप्स लेंगे। मैंने यहाँ पर फ्रूट योगर्ट के जो एम्प्टी कप्स है वो लिए हैं। आप पेपर कप्स या प्लास्टिक के दूसरे कप्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे कप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 सारे कप्स हम कुल्फी के बैटर से फिल कर देंगे। ये देखिए, ये फिल हो चुका है। ये देखिए, मेरे सारे कप्स फिल हो चुके हैं। मैंने इसके लिए पेपर कप्स, प्लास्टिक कप्स सारे ले लिए हैं जो भी अवेलेबल थे। आपके पास भी जो है उसमें आप इस कुल्फी को सेट कर सकते हैं। अब एल्युमिनियम फॉइल से इसे अच्छे से कवर कर लेंगे और ओवरनाइट आपको इसे सेट होने के लिए रखना है, या फिर 6 to 7 आवर्स एटलीस्ट आपको रखना है इसे फ्रीजर में। ये देखिए, इस तरह से ये कवर हो जाएगा। सारे कप्स मेरे कवर हो चुके हैं, अब ये जाएंगे फ्रीज़र में। मेरी आइसक्रीम जो है रेडी है। आप इसे डायरेक्टली कप से खा सकते हैं। अगर आपको निकाल के इसे खाना है, आप इसे निकाल कर भी खा सकते हैं। निकालने के लिए आप एक ग्लास लेंगे, उसमें आपका कुल्फी का कप आप 5 to 6 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। इसके बाद आपकी जो कुल्फी है वो इजीली उससे निकल जाएगी। ये देखिए, कुल्फी को गार्निश करने के लिए आप चॉप्ड पिस्टाचियोस और ड्राइड रोज पेटल्स ले सकते हैं। आपकी कुल्फी रेडी है। ये देखिए, इसकी टेक्सचर, थिकनेस सब बिल्कुल ही बहुत बढ़िया है। आप ज़रूर बनाइए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये सिंपल सी मैंगो कुल्फी कैसी लगी। और अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल डेलिकेसीज विद सबा को सब्सक्राइब कीजिए।